नमस्कार, मैं पूजा ऑल्ट न्यूज से। 12 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग हुई थी। इस दौरान मुजफ्फरनगर के बीजेपी कैंडिडेट संजीव बलियान ने ये क्लेम किया कि कुछ लोग बुरखा पहन के फर्जी वोट दे रहे थे। बलियान के इस आरोप के बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक महिला कुछ औरतों को जिन्होंने बुरखा पहन रखा है उन्हें फर्जी वोट देने से रोक रही हैं। मुझे सच बता दो, इस वक्त किसने दिया तुम्हें आधार कार्ड? ये वीडियो दो दावों से वायरल था। पहला, बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता ने फर्जी वोटिंग को रंगे हाथ पकड़ा, और दूसरा, मुजफ्फरनगर में बुरखा पहन के फर्जी वोट देते हुए पकड़ी गई मुसलमान महिलाएं। ये दोनों ही दावे बिल्कुल ही गलत है, और ये वीडियो के चंद सेकंड्स को देख के ही पता चल जाता है। शुरुआत में ही महिला अपना परिचय देते हुए कहती है कि वे बीएसपी की प्रत्याशी शैला है। छुड़वा दूंगी आपको, अभी सच बताइए। दिखाइए दिखाइए। मैं बीएसपी प्रत्याशी शैला हूँ, मैं लड़कियों को नहीं चाहूंगी अंदर जाने। छुड़वा दूंगी आपको, अभी सच बताइए। दिखाइए दिखाइए। मैं बीएसपी प्रत्याशी शैला हूँ, मैं लड़कियों को नहीं चाहूंगी अंदर जाने। छुड़वा दूंगी आपको, अभी सच बताइए। दिखाइए दिखाइए। मैं बीएसपी प्रत्याशी शैला हूँ, मैं लड़कियों को नहीं चाहूंगी अंदर जाने। ऑल्ट न्यूज ने वीडियो की पड़ताल करने पे पाया कि ये वीडियो 2017 में एक यूट्यूब यूजर ने ये कहते हुए अपलोड किया कि ये घटना 2017 के रामपुर नगर पालिका इलेक्शंस की है। ऑल्ट न्यूज को इस घटना की कोई मीडिया रिपोर्ट्स नहीं मिली, लेकिन 2017 में शैला खान नाम की एक महिला ने बीएसपी की तरफ से रामपुर नगर पालिका चुनाव लड़ा था। खान की तस्वीर बीएसपी के पुराने पोस्टर्स में भी यूज की गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया में ये कह के चलाया जा रहा था कि एक बीजेपी कार्यकर्ता ने मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटिंग होने से रोका, पर सच्चाई ये है कि ये वीडियो 2017 का है और वीडियो में जो महिला दिख रही है वे बीएसपी की कार्यकर्ता थी। कुछ इसी तरह का दावा दो तस्वीरों के साथ किया गया था, जहाँ पे एक पुरुष बुरखे में नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में संजीव बलियान ने सही मुद्दा उठाया है, बुरखा वोट जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। दोनों तस्वीरें इसी कैप्शन से वायरल थी। ऑल्ट न्यूज ने जब फोटोज़ की पड़ताल की तो पाया कि दोनों ही तस्वीरें इंटरनेट में 2015 से उपलब्ध थी। एक फेसबुक यूज़र ने इन फोटोज़ को पोस्ट करते हुए ये कहा था कि फोटोज़ में जो व्यक्ति है वे एक आरएसएस के लीडर हैं, जिन्हें एक मंदिर में गाय का मांस फेंकते हुए पकड़ा गया था। इस पोस्ट के दूसरे ही दिन स्कूप वूप वेबसाइट ने इस घटना पे आर्टिकल लिखा था। हालांकि ये व्यक्ति आरएसएस के लीडर्स थे या नहीं ये सत्यापित नहीं किया जा सकता, पर क्योंकि ये तस्वीरें इंटरनेट में 2015 से उपलब्ध हैं तो ये हाल के इलेक्शंस की हो ही नहीं सकती। चुनाव के इस दौर पर ऐसी कई सारी फर्जी खबरें फैलाई जा सकती हैं। सोशल मीडिया यूजर्स को चौकन्ना रहना चाहिए कि ऐसी कोई भी गलत सूचनाएँ उनके वोट देने पर असर ना करे। अगर आपके सामने कोई भी ऐसी खबर आए जिस पे आपको संदेह हो तो आप उसे ऑल्ट न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।